हेलो एवरीवन, वेलकम। देखेंगे इसमें क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी। आज देर रात, लेट नाइट, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं और यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है, आपके रिश्ते को लेकर या आपकी लाइफ को लेकर। चले जानने की कोशिश करते हैं। ये रीडिंग आप सभी के लिए है, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ना ही कोई स्पेसिफिक साइन के लिए है। टाइमलेस है, कभी भी आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हो। तो क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स जिनको इस वक्त आप याद कर रहे हो, वो देर रात आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या है उनकी एनर्जी, किस एनर्जी में है वो। Ace of Pentacles, okay. ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति डेट पर जाना चाहते हैं आपके साथ, आपको लेकर जाना चाहते हैं, या इनको इंतज़ार है कि कब आप इनको अप्रोच करोगे, कब आप इनसे कहोगे या कब आप एक्शन लोगे। ठीक है, या तो ये खुद एक्शन लेने की तैयारी में हैं, आपको पूछने वाले हैं, आपसे कहने वाले हैं डेट पर चलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, चलो कहीं घूमने फिरने चलते हैं, या ये जो रेस्टोरेंट है यहाँ चलते हैं, कॉफ़ी पर चलते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, लंच, डिनर या कॉफ़ी। ये व्यक्ति आपके साथ डेट पर जाना चाहते हैं। आपके कनेक्शन में कुछ ना कुछ नयापन आते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये लाते हुए खुद आपके पार्टनर ही दिखाई दे रहे हैं। आप पर काफ़ी फ़िदा मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि रिसेंटली, कुछ वक्त पहले ही आप दोनों मिले थे, आप दोनों डेट पर गए थे, आप दोनों ने साथ में टाइम स्पेंड किया, कहीं गए थे आप दोनों, पर आप दोनों साथ में थे। तो आपका जो लुक था, आपका जो स्टाइल था, आपने जो कैरी किया था, फिदा हो गए, लट्टू हो गए थे ये। ठीक है, और हाँ, आपके लिए भी इन्होंने खुद को अच्छे से काफ़ी कैरी किया था, खुद को काफ़ी अच्छे से रेडी किया था। और अगर अब तक ऐसा नहीं हुआ है तो ये करना चाहते हैं। ठीक है, आपको कह सकते हैं जब आपको डेट पर लेकर जाए तो अपनी पसंद का कुछ पहनने के लिए, कुछ कैरी करने के लिए आपसे पूछ सकते हैं कि मैं क्या पहनूं। तो ऐसा मुझे कुछ होते हुए दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर ये सब सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके पार्टनर के मन में ये चल रहे हैं, स्टार्ट करने के लिए कुछ नए अपन लाते हैं, कितना बोरिंग हो गया है, या आप दोनों के बीच डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, रोना धोना हो रहा है, या नो कॉन्टैक्ट है। ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में कोई और आ गए हैं, आपकी लाइफ में कोई और है, न्यू पार्टनर है, आप किसी के साथ लव में हो या किसी और में इंटरेस्ट ले रहे हो। कोई आपके लिए रोते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, कोई आपको लेकर मुझे रिग्रेटफुल एनर्जी में दिखाई दे रहा है, खुद को आइसोलेटेड फील करते हुए दिखाई दे रहा है। ये कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, जो भी इनका जेंडर है, ये मुझे रोते हुए तड़पते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप किसी और के साथ हो। अगर आप किसी और के साथ नहीं हो, ना ही किसी से चैट कर रहे हो, ना ही किसी के साथ गए हो, पर आपके पार्टनर की एनर्जी ये है कि इन्होंने आपको किसी के साथ देखा है, भले ही वो कोई नॉर्मल फ्रेंड हो सकते हैं, कोई जान पहचान वाले हो सकते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप किसी और के साथ हो, आगे बढ़ के हो, आपने अपनी लाइफ का न्यू स्टार्ट कर लिया है। या तो ये इनका भ्रम हो सकता है, इनका बस डाउट हो सकता है, या तो ये सच्चाई हो सकती है, जो कि आपके पार्टनर को लगता है कि आप किसी और के साथ हो, आप हो भी सकते हो। ठीक है, या तो ये सिर्फ इनका भ्रम है और ये रो रहे हैं कि मैंने उसको खो दिया, उसने वो स्टार्ट कर लिया, वो किसी और के साथ है, उसने मुझे भुला दिया। ये रो रहे हैं क्योंकि ये खुद अलोन है, आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपके लिए इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, तो ये मुझे दर्द में दिखाई दे रहे हैं, दिल इनका टूटा है। ये जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, या तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या तो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। वैसे ये रीडिंग सभी साइंस के लिए है और अंत तक सभी साइंस आ ही जाती है। ठीक है, आपके लिए नंबर 1, 9, 19, 91 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है।
ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर कुछ बड़े प्लान कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। कोई स्पेशल प्लेस पर आपको लेकर जा सकते हैं और इन्होंने खुद आपके लिए बहुत कुछ रेडी किया है आपकी पसंद का, ठीक है। आपकी पसंद का वहाँ पर फ्लावर्स है, आपकी पसंद के प्लेस पर लेकर जा रहे हैं आपको। काफ़ी रोमांटिक होने वाला है, ठीक है। काफ़ी रोमांटिकली सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में। हो सकते हैं कि किसी की वेडिंग पर आप दोनों मिले थे, वेडिंग पार्टी वगैरह ऐसे कुछ हो सकता है इनसे, ठीक है। ये तो मिलो क्या, कहीं मिलने वाले हो तो बिल्कुल फिदा हो जाएंगे ये, ठीक है। अगर ये पास्ट से हैं तब तो ये काफ़ी इनकी काफ़ी बुरी हालत है, क्योंकि हो सकता है कि आपको लेकर कन्फ्यूज थे, आपको छोड़ दें इन्होंने। फिर इनको ऐसा लगा था कि शायद आप मौन नहीं करोगे या इनके ही रहोगे, ठीक है। पर आप आगे बढ़ रहे हो, आप अलाउ कर रहे हो लव को, फ्रेंडशिप को, तो ये व्यक्ति से देखा नहीं जा रहा है। और देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। तो ये सोच रहे हैं क्या मेरा कुछ होप है यहाँ पर, क्या मुझे यहाँ पर कुछ मौका मिल सकता है, क्या मुझे कहना चाहिए, क्या हम बिछड़ कर वापस से मिल सकते हैं। हो सकता ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन सब बिछड़ गए हो, आप दोनों ने अपनी राहें अलग कर ली, ठीक है। ये खुद चले गए आपके लाइफ से, इन्होंने अपना हार्ट आपको दिया था, आपको प्रपोज किया था, और ये खुद ही चले गए, निकल गए। पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ने ही यहाँ पर एक दूसरे के बारे में सोचना बंद नहीं किया है। आज भी एक दूसरे को सोचते हो और एक दूसरे के लिए इमोशंस है, कुछ ना कुछ यहाँ पर फीलिंग्स है, ठीक है, यादें हैं। तो आपके पार्टनर की एनर्जी यही दिखाई दे रहा है कि अगर ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता तो कम से कम हम फ्रेंड्स बनकर तो रह ही सकते हैं ना, फ्रेंडशिप तो अलाउ कर ही सकते हैं वो, यानी कि आप। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको खुद पर भरोसा है, ट्रस्ट है, या यूनिवर्स पर इनको ऐसा लगता है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वैसे तो ये रो रहे हैं, इनको फियर हो रही है, पर इनका इंट्यूशन इनसे ये कह रहा है कि आप दोनों के बीच अभी भी पॉसिबिलिटीज़ है। अगर ये पास्ट से हैं या आप दोनों के बीच दूरियाँ आ गई थी, तो इनको यही लगता है कि अभी भी पॉसिबिलिटीज़ है। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर आप किसी की यादों में रो रहे हो, तड़प रहे हो, वो किसी और के साथ है, उनको आपकी कोई पड़ी नहीं है, आप हर्ट हो रहे हो, आप दर्द में हो, आप खुद को अलोन पा रहे हो, और वो खुश हैं अपने लाइफ में, हैप्पी हैं, डोंट वरी, आपके लाइफ में न्यू लव आ रहा है, कोई ऐसे पार्टनर आ रहे हैं जो लट्टू होंगे आप पर, या जो आपको काफ़ी स्पेशल फील कराएंगे, वो आपके बेस्ट फ्रेंड बनेंगे या फ्रेंड्स के थ्रू आप दोनों की मीटिंग होगी, आप दोनों मिलोगे एक दूसरे से, और इनके साथ आप लव रिलेशनशिप में जाओगे, रोमांटिक रिलेशनशिप में जाओगे, आप इनको डेट करोगे, आप दोनों साथ में आओगे, ठीक है। और ये जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुल होगी, डोंट वरी। आपको फियर हो सकता है कि पास्ट की तरह ये कनेक्शन भी ना हो जाए, टूट ना जाए, या ये मुझे छोड़ ना दे, दूरियां ना हो जाए, पर ऐसा नहीं होगी, सक्सेसफुल होगी, ठीक है। और कुछ लोग ले भाई ये दिखाई दे रहा है कि आपके कनेक्शन में, आपका कनेक्शन ऑलरेडी सक्सेसफुल है, नहीं है तो हो जाएगी, अगर आप दोनों एक दूसरे को चाहते हो तो कौन रोक सकता है आप दोनों को एक होने से, न्यू स्टार्ट करने से। और अगर यहाँ पर कन्फ्यूज़न है, कन्फ्लिक्ट कंटिन्यूसली आप दोनों के बीच हो रहा है, वो आपको लेकर कन्फ्यूज़ हैं, अगर आपके पार्टनर के लिए आप ऑप्शन शो प्रायोरिटी नहीं, तो आपकी लाइफ में न्यू लव आ रहा है, आपके पास खुद ऑप्शंस होगी, ठीक है। फ्रेंड्स आपको कुछ सच्चाई बताएंगे, दिखाएंगे, आपके लिए ऑप्शंस आ रही है, आपके लिए एक मैसेज आ रहा है,
अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी है, किसी ने आपको थर्ड पार्टी में रखा है या किसी के लिए आप ऑप्शन हो, तो खुद को चूज़ कीजिए, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट चूज़ कीजिए, किसी को ऑप्शन मत बनिए, खुद को खुश रखिए, हैप्पी रखिए। आपके लाइफ में आपके ट्रू फ्रेंड्स हैं या होंगे, खुद को खुश रखिए, ठीक है। खुद को पॉजिटिव रखिए, कैसे आप खुद को खुश रख सकते हो, खुद को पॉजिटिव रख सकते हो, और लव के लिए खुद को अलाउ कीजिए। आप अलोन नहीं हो, ठीक है, प्यार है आपकी लाइफ में, यह तो आ रही है प्यार। और किसी के साथ कंटिन्यूसली फाइट हो रही है तो थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, आपको ऑलरेडी आपको पता चल जाएगी वक्त के साथ कि क्या करना है मुझे, ये जो कनेक्शन है वो क्या है, ये पर्सन है क्या है, इसके लिए मैं क्या हूँ, ये मेरे लिए क्या है। तो थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, चिल कीजिए, इन्जॉय कीजिए, ठीक है। तो हाँ, कोई सोच रहे आपको, ठीक है, 5-5 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 3 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कोई एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लियो हो सकते हैं, वो पर्सन आपको सोच रहे हैं, ठीक है। कोई फ्रेंड्स के थ्रू आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, या फ्रेंड्स ने कुछ ऐसे बात बताई आपके बारे में जिसको लेकर ये काफ़ी टेंशन में है, ये काफ़ी स्ट्रेस में है, ये काफ़ी अफसोस कर रहे हैं, ये रो रहे हैं, ठीक है। कोई आपको दूर से देख रहा है, या इन्होंने आपको कहीं देखा था किसी और के साथ, ये इनको ऐसा लगता है कि किसी और के साथ हो आप। तो यहाँ पर मुझे एनर्जी दिखाई दिया है, आपके पार्टनर का मैसेज क्या है आपके लिए, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आ गया, स्पेशली है यहाँ पर कैंसर। क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको, ये आपको सोच रहे हैं, ठीक है। आपके लिए इमोशंस है, फीलिंग्स है, आपको लेकर इमेजिन करते हैं, आपके साथ एक ब्यूटीफुल फ्यूचर देखते हैं, आपका साथ चाहते हैं ये, ठीक है। इनको ज़रूरत है आपकी, ये अलोन है, आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि ये अलोन है और इनका दिल आपके पास है। इनको ऐसा लगता है कि आपका दिल भी इनके पास है, ये आ जाएगा, ये इनका होना चाहिए आपका दिल, ठीक है। ये डिज़र्व करते हैं कि आपका दिल इनके पास आए, इनका हो जाए, तो ये आपको लेकर इमेजिन कर रहे हैं, करते हैं आपके साथ लाइफ, चाहते हैं आपके साथ, ये चाहते हैं कि आप दोनों साथ में रहो, आप दोनों के बीच कुछ हो, आप दोनों एंजॉय करो, डेट पर जाओ, बातें करो, चैट्स हो आप दोनों के बीच, कॉल पर बातें हो, ये चाहते हैं, ये आपको सोच रहे हैं, ठीक है। ये अलोन है ये व्यक्ति, और ये काफ़ी खूबसूरत हैं, इनका हार्ट काफ़ी खूबसूरत है, ठीक है। तो हाँ, कोई काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, और ये मैसेज आपको देना चाहते हैं, कोई आपका साथ चाहते हैं। ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पिसेस हो सकते हैं, ये तो 7 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। मुझे यहाँ पर रिपीटेटिव नंबर दिखाई दिया है, 5577। तो ये रही आपकी रीडिंग, आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, लव यू ऑल, टेक केयर।